नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस महान महिला के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है कनकलता बनु। इनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ, आज के दरांग आसाम में। यह बचपन से ही बहुत जुझारू थी, लेकिन नियति में बहुत ही कम उम्र में ही इनके माता पिता का साया इनके सर से उठ चुका था। समाज के अंदर उस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जोरदार जन प्रदर्शन शुरू था और इसकी गहरी छाप जो है वो कनकलता बरुआ जी पर पड़ चुकी थी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन और लोगों को इकट्ठा करके ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तैयार करना और प्रदर्शन करना 13 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था। देखते ही देखते वो गोहपुर आसाम में पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन कर रहे कई सारे लोगों का समर्थन करने जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि बड़े ही बेरहमी से ब्रिटिश हुकूमत जो है, ब्रिटिश सिपाही जो है, वो भारतीय लोग, बेगुनाह लोगों को बहुत बेरहमी से मार रही। इसका बहुत बहुत दिल तक उनके ऊपर, बहुत दिनों तक उनके ऊपर आहत रहा। वो आला अधिकारियों से मिलने भी गई, बड़े अधिकारियों से उन्होंने इस विषय पर चर्चा की, लेकिन कोई प्रत्युत्तर, कोई संतोषजनक उत्तर उनको न मिलने के कारण उन्होंने खुद ने डिसाइड किया कि अब मैं खुद इस अत्याचार के खिलाफ उस पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करूंगी। और सही मौका उनको कब मिला? 20 सितंबर 1942 को, जब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो कनकलता बरुआ ने 20 सितंबर 1942 को दरांग आसाम की, जहां उनका खुद का जन्म था, वहां से 70 किलोमीटर दूर गोहपुर आसाम में पुलिस स्टेशन के सम्मुख उन्होंने धरना प्रदर्शन देना स्टार्ट कर दिया और उनके साथ में हजारों और सैकड़ों की भीड़ भी इकट्ठा हुई। पुलिस को जैसे समझ में आता है, ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस को जैसे समझ में आता है कि इतने बड़े जन समूह का प्रतिनिधित्व कनकलता बरुआ कर रही है, तो उन्होंने 3 बार उनको चेतावनी दी कि अगर आपने जल्द से जल्द ये पुलिस स्टेशन का प्रांगण खाली नहीं किया तो आपको गोली मार दी जाएगी। और ब्रिटिश हुकूमत बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर हमने कनकलता बरुआ जी को गोली मार दी तो बाकी की भीड़ जो है वो खुद ही चली जाएगी। और 20 सितंबर 1942 को ब्रिटिश हुकूमत ने दोपहर को आदेश दे दिया गोली चलाने का, और इस गोली कांड में कनकलता जी बहुत बुरी तरह से पहले घायल हो जाती है और कुछ घंटों के बाद में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा बोल दिया, वो शहीद हो गए। लेकिन इसका परिणाम उल्टा पड़ा। ब्रिटिश हुकूमत ये सोच रही थी कि कनकलता जी के मृत्यु के बाद ये भीड़ वापस जाएगी, लेकिन हुआ इसके उल्टा, भीड़ जाने की बजाय और आई और आखिर में उस पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जन्म 24 को और मृत्यु 42 को, इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपना नाम अमर कर दिया। सिर्फ 18 साल की थी जब उनका देहांत हुआ। भारत सरकार ने 1997 में कोस्ट गार्ड की जो एक विंग स्थापित की थी उसका नाम कनकलता बरुआ गश्ती नौका यूनिट रखा गया है और जो आज भी काम कर रही है। और 2011 में गौरीपुर आसाम में उनके नाम का एक बहुत विशाल, उनके जैसा ही एक हूबहू दिखने वाला एक पुतला भी बनाया गया। तो ये थी आपकी कनकलता बरुआ, जो एक स्वाधीनता सेनानी थी। आई होप आप लोगों को इस टॉपिक से भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपनी नोट्स इस टॉपिक पर ज़रूर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।